हे गाइस, दिस इज़ आरिफ मोहम्मद। वेलकम बैक टू माय चैनल एके सर केमिस्ट्री। 11th साइंस केमिस्ट्री का टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर हमारा रनिंग है, जिसमें आज हम कुछ विशिष्ट टर्म्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। एक शब्द आता है, टर्म पढ़ते हैं अपन, समस्थानिक। समस्थानिक क्या होता है? समस्थानिक किसे कहते हैं? समस्थानिक इंग्लिश में इसे कहते हैं आइसोटोप्स। इंग्लिश में समस्थानिक को कहा जाता है आइसोटोप्स। देखिए वर्ड को देखिए, सम स्थान, सम का मतलब समान, स्थानिक का मतलब स्थान। जिनका स्थान समान हो, यानी कि जिनका परमाणु क्रमांक समान हो, वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान हो क्या होंगे? समस्थानिक। यानी परमाणु क्रमांक का मतलब हम क्या निकालते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉनों की संख्या समान हो क्या कहलाएंगे? समस्थानिक। तो इसे हम डिफाइन किस प्रकार से करते हैं? एक ही तत्व के वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान हो। एक ही तत्व के वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान हो। परमाणु क्रमांक समान यानी प्रोटोनों की संख्या समान हो, तो फिर डिफरेंट क्या हो? लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या। परमाणु क्रमांक क्या है? प्रोटोनों की संख्या। द्रव्यमान संख्या क्या है? प्रोटोन और न्यूट्रॉनों की संख्या। तो यहां पे देखिए समस्थानिक क्या होगा? एक ही तत्व के वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो। समस्थानिक क्या होंगे? एक ही तत्व के वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान। परमाणु क्रमांक समान मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है? समान है, परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो। अब द्रव्यमान संख्या किससे बनी हुई है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। प्रोटॉनों की संख्या तो समान है, फिर द्रव्यमान संख्या किसके कारण भिन्न होगी? न्यूट्रॉनों की संख्या के कारण। तो क्या मैं इसे यूं भी लिख सकता हूं? एक ही तत्व के वे परमाणु जिनमें वे परमाणु जिनमें प्रोटोनों की संख्या समान हो, परंतु क्या भिन्न हो? न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न हो। प्रोटोनों की संख्या समान हो परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो, क्या कहलाएंगे? समस्थानिक कहलाएंगे, समस्थानिक। फिर से देखिए, समान क्या है? परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक समान है, मीन्स प्रोटोनों की संख्या भी क्या है? समान है। डिफरेंट क्या है? द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या किससे बनी होती है? प्रोटोन और न्यूट्रॉन से। तो प्रोटोन तो यहाँ पे समान है, तो फिर डिफरेंट क्या है? न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न हो, समस्थानिक कहलाते हैं। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, हाइड्रोजन के समस्थानिक। देखिए जब भी अपन कोई भी तत्व लिखते हैं, तो जैसे मान लीजिए कोई एलिमेंट ई है,
इसको अपन लिख रहे हैं, तो इसके फुट में क्या लिखते हैं, जेड। हेड पे क्या लिखते हैं, ए। जेड क्या है, परमाणु। क्रमांक। ए क्या है, द्रव्यमान, संख्या। ठीक है, जो फुट में लिखा वो परमाणु क्रमांक है और हेड पे लिखा द्रव्यमान संख्या है। हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक होते हैं, पहले समस्थानिक को इस प्रकार से शो करा, दूसरे समस्थानिक को इस प्रकार से शो करा और तीसरा समस्थानिक लिख दिया हमने। ये मीन्स इस हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, एक, इसका भी एक, इसका भी एक। मीन्स प्रोटोनों की संख्या कितनी है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है। द्रव्यमान संख्या कितनी है, ए, इसकी एक है, इसकी दो है, इसकी तीन है। हमसे पूछा न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, न्यूट्रॉनों की संख्या, द्रव्यमान संख्या किससे बनी हुई है, प्रोटोनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग से। तो देखिए प्रोटोन एक, द्रव्यमान संख्या भी एक, तो क्या इसमें कोई न्यूट्रॉन है क्या, नहीं है, न्यूट्रॉन जीरो है। हाइड्रोजन हमारा एक ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है, हाइड्रोजन ही एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके परमाणु में न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है। जबकि हाइड्रोजन का जो दूसरा समस्थानिक है जिसे अपन 1H2 से शो कर रहे हैं, इसको डी से भी डिनोट करते हैं, ड्यूटीरियम, डी माने ड्यूटीरियम। यहाँ पे देखिए प्रोटोन एक, द्रव्यमान संख्या दो, तो प्रोटोन तो एक ही है, द्रव्यमान संख्या का रिजल्ट कितना आ रहा है, दो। दो कैसे आया होगा, दो कब बना, प्रोटॉन तो एक ही है और हमें पता है द्रव्यमान संख्या किसका योग है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग। तो इसमें एक तो प्रोटॉन है, तो फिर दूसरा एक बच गया, वो कौन है, न्यूट्रॉन। ठीक है, इसी प्रकार से यहां पे देख लीजिए, यहां पे न्यूट्रॉन कितना है, दो। देखिए एक सिंपल सूत्र पढ़ा था अपन ने, पी प्लस एन, द्रव्यमान संख्या यहां पे कितनी है, एक, प्रोटॉन कितना है, एक, तो न्यूट्रॉन कितना होगा, एन का वैल्यू कितना आएगा, एक उधर जाके जाएगा, तो क्या लिख देंगे, एन इज इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पे इधर इसमें देखिए ए की वैल्यू कितनी है, ये तो कर लिया ना अपन, ये देखिए ए की वैल्यू कितनी है, टू, प्रोटॉन कितना है, एक, तो न्यूट्रॉन कितना होगा, एक उधर जाएगा, दो माइनस एक, एक। इसकी बात करें ए की वैल्यू कितनी है, द्रव्यमान संख्या कितनी है, तीन, प्रोटॉन कितना है, एक, न्यूट्रॉन ज्ञात करना है तो क्या लिख देंगे, एन इज इक्वल्स टू थ्री माइनस वन, टू। ये है समस्थानिक। ठीक है, और ये हाइड्रोजन के अपन ने तीन समस्थानिक लिखे हैं, इस समस्थानिक को हाइड्रोजन ही से डिनोट करते हैं। सेकेंड समस्थानिक जो आपने 1H2 लिख रखा है उसमें डी ड्यूटीरियम से शो करते हैं और 1S3 को टी ट्राइटियम से शो किया जाता है। तो दिस इज समस्थानिक, दे आर समस्थानिक जिनके परमाणु क्रमांक समान है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल लेते हैं अपन क्लोरीन का, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, देखिएगा एटॉमिक नंबर 17 35, एटॉमिक नंबर 17 37, परमाणु क्रमांक क्या है, समान है, द्रव्यमान संख्या क्या है, भिन्न भिन्न है, हमारी शर्त पूरी हो रही है, मीन्स ये एक दूसरे के क्या है, समस्थानिक है, आइसोटोप्स हैं। अब इसमें अपने को कहे बताओ प्रोटोनों की संख्या कितनी है, तो इसमें कितनी है, 17, यहाँ पे भी कितनी है, 17। द्रव्यमान संख्या कितनी है, इसमें है 35, इसमें कितनी है, 37। फिर हमें कह रहा है बताओ न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे याद करें, 35 क्या है, 35 है प्रोटोनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग। प्रोटोन कितने हैं, 17, तो क्या न्यूट्रॉन ज्ञात कर सकते हैं, क्या न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, 35 में से 17 गए, 18 आ गया क्या, न्यूट्रॉन कितने इसमें, 18, 35 में से 17 गया, 18। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें पूछे 37 क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटोनों की संख्या का योग। क्या आपको पता है कि इसमें प्रोटॉन कितने, बिल्कुल पता है, परमाणु क्रमांक की प्रोटॉनों की संख्या होती है, तो पी की वैल्यू कितनी है, 17। क्या एन ज्ञात कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, क्या करेंगे, 37 में से 17 को घटा दीजिए, 37 में से 17 को घटाएंगे, रिजल्ट कितना आ जाएगा, 20, यानी यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या है 20। तो देखिए प्रोटॉनों की संख्या क्या है, समान, प्रोटॉनों की संख्या क्या है, समान, द्रव्यमान संख्या क्या है, भिन्न, द्रव्यमान संख्या क्या है, भिन्न, प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है,
प्रोटोनों की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक तो समान है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न है, क्या कहेंगे? समस्थानिक। या कहें प्रोटोनों की संख्या तो समान है परंतु भिन्न क्या है? न्यूट्रॉनों की संख्या है। एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? समस्थानिक कहलाएंगे। ठीक है, तो ये था आपका समस्थानिक। आगे हम बात करते हैं समभारिक, आइसोबार्स। समभारिक क्या होता है बात करते हैं, चलिए आइसोबार्स के बारे में। समभारिक, आइसो बार्स क्या होता है देखिएगा, भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न हो परंतु द्रव्यमान संख्या समान हो। भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न परंतु द्रव्यमान संख्या समान है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन तो भिन्न है परंतु प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं का योग क्या है? समान है। क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के समभारिक या आइसोबार्स कहलाएंगे। क्या कहेंगे? समभारिक या आइसोबार्स इसे कहेंगे। देखिएगा फिर से मैं आपको बता दूं, कोई भी एलिमेंट है उसके फुट में जो लिखा हुआ है वो उसका परमाणु क्रमांक है या प्रोटोनों की संख्या है, हेड पे जो लिखा हुआ है वह उसकी द्रव्यमान संख्या है या हम कहें प्रोटोन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग है। तो यहाँ पे अपने को देखना है, एक एग्जाम्पल अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल है, ध्यान दीजिएगा, आर्गन, पोटाशियम और कैल्शियम का। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, पोटेशियम का 19 है और कैल्शियम का 20 है। परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है, मींस प्रोटोनों की संख्या भी क्या है? भिन्न भिन्न है, परंतु जो ए है इसकी वैल्यू क्या है? समान है। इन तीनों के लिए 40, ए की वैल्यू कितनी लिखी है? 40, मींस ये एक दूसरे के क्या है? समभारिक है, क्योंकि इनकी द्रव्यमान संख्या समान है, परमाणु क्रमांक भिन्न है, परमाणु तत्व भी भिन्न भिन्न है, भिन्न तत्व, तत्व अलग अलग है परंतु ये इनके ऐसे परमाणु हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या समान है, तो इसे क्या कहेंगे? समभारिक कहेंगे। आपके सामने है द्रव्यमान संख्या का मान तीनों के लिए कितना है? 40, तो मींस ये एक दूसरे के क्या है? समभारिक है। ठीक है, इसी प्रकार से कार्बन का एग्जाम्पल ले सकते हैं, आइसोटोप कार्बन का, कार्बन और नाइट्रोजन। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, नाइट्रोजन का 7, पर आइसोटोप कार्बन है उसकी द्रव्यमान संख्या 14, नाइट्रोजन की भी 14, तो दोनों की द्रव्यमान संख्या क्या है? समान। परमाणु क्रमांक क्या है? भिन्न भिन्न, तो ये एक दूसरे के क्या है? समभारिक। अगर द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती, परमाणु क्रमांक समान होता तो कहते समस्थानिक। ये दोनों समान होंगे तो क्या कहेंगे? समस्थानिक, और ये समान होंगे तो क्या कहेंगे? समभारिक। यानी समस्थानिकों में प्रोटोनों की संख्या समान होती है, परमाणु क्रमांक समान होता है, जबकि समभारिकों में द्रव्यमान संख्या का मान भिन्न भिन्न हुआ करता है। ठीक है, ये आपका समभारिक। यहीं पे एक टर्म और अपने को पढ़ने को मिलती है, सम न्यूट्रॉनिक, या जिसे आइसोटोन्स भी कहते हैं। सम न्यूट्रॉनिक या जिसका दूसरा नाम है आइसोटोन्स, सम न्यूट्रॉनिक, आइसोटोन्स, आइसोटोन्स, सम न्यूट्रॉनिक। देखिएगा सम न्यूट्रॉनिक या आइसोटोन्स क्या होता है, ध्यान दीजिए, भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनका
परमाणु क्रमांक तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न हो परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो। भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न हो परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, या इसे क्या बोल सकते हैं, भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें प्रोटोनों की संख्या भिन्न हो परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो। प्रोटोनों की संख्या भिन्न हो परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, सम न्यूट्रॉनिक या आइसोटोन्स कहलाते हैं। ठीक है, सुनिएगा बात। पहली बात क्या कह रहा है, परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। परमाणु क्रमांक प्रोटोनों की संख्या है, द्रव्यमान संख्या प्रोटोन और न्यूट्रॉनों की संख्या है। अब इनमें प्रोटोनों की संख्या अगर भिन्न भिन्न होगी तो द्रव्यमान संख्या का रिजल्ट क्या आएगा, भिन्न भिन्न आएगा, परंतु सेम क्या है, न्यूट्रॉनों की संख्या यहां पे सेम है, तो इसे क्या कहेंगे, आइसोटोन्स या सम न्यूट्रॉनिक कहेंगे। एक एग्जांपल अपन यहां पे पिक कर लेते हैं, सामान्य ऑक्सीजन और आइसोटोप्स कार्बन और नाइट्रोजन का। देखिए, कार्बन परमाणु क्रमांक 6, आइसोटोप का 16, नाइट्रोजन 7, आइसोटोप का 16, और ऑक्सीजन 8, 16। इसमें मैंने ये 16 गलत लगा दिया, इसका रखिए 14, इसका 15। आइसोटोप लिया ना हमने 14 और 15, ये अपना सामान्य परमाणु जो ऑक्सीजन का है। इसमें वेरिएबल क्या, देखो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है। 6, 7, 8 क्या है, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक ये क्या होता है, प्रोटोनों की संख्या, यानी इनमें प्रोटोनों की संख्या क्या है, भिन्न भिन्न है। द्रव्यमान संख्या भी क्या है, भिन्न भिन्न है। यहाँ पे देखिए, इन सभी में प्रोटोन कितने हैं, 6 हैं, 7 है, 8 है, डिफरेंट है, समान नहीं है। द्रव्यमान संख्या 14, 15, 16, ये भी समान नहीं है। परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, द्रव्यमान संख्या में से अगर प्रोटोनों की संख्या को घटा दे तो हमें क्या मिलेगी, न्यूट्रॉनों की संख्या। तो 14 में से 6 घटाइए, 14 में से 6 जाएंगे, क्या बचेगा, 8 बचेगा, 8। 15 में से 7 जाएंगे, क्या बचेगा, 8। 16 में से 8 जाएंगे, क्या बचेगा, 8। यानी यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या समान है, प्रोटोनों की संख्या भी समान नहीं है, द्रव्यमान संख्या भी समान नहीं है, समान क्या है, न्यूट्रॉनों की संख्या। तो भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, सम न्यूट्रॉनिक या आइसोटोन्स कहलाएंगे। ठीक है, ओके। आगे एक और टर्म हम डिस्कस करने वाले हैं यहां पे, सम इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक, देखिए सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, सम इलेक्ट्रॉनिक परमाणु आयन की
का समूह है, परमाणु आयन का समूह है, जिनमें नाम से स्पष्ट हो जाता सम इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो, परमाणु आयन का समूह है जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो, सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी, सम इलेक्ट्रॉनिक या इसी के लिए एक वर्ड यूज करते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी कहलाता है। तो आयन में क्या क्या हो सकता है, धनायन भी हो सकता है और ऋणायन भी हो सकता है परमाणु। तो हमें ऐसा समूह देखना है जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो, क्या कहलाएगा, सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाएगा। अपन एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन सीरीज का, देखिएगा H माइनस हीलियम लिथियम बेरिलियम, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं N 3 माइनस O 2 माइनस F माइनस N E N A प्लस Mg 2 प्लस Al 3 प्लस सिल Si 4 प्लस, ये एग्जाम्पल हमने लिया है। देखिए चेक करते हैं, हाइड्रोजन है सात पे, इस पे क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज है, मींस हाइड्रोजन के पास जितने इलेक्ट्रॉन है उससे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अधिक है। हाइड्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉन कितना होता है, उदासीन के पास में जितना परमाणु क्रमांक उतना इलेक्ट्रॉन होगा। हाइड्रोजन कितना नंबर पे, हाइड्रोजन सबसे पहले गिनते हैं एक, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अतिरिक्त है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक तो इसका खुद का एक नेगेटिव लग रहा है, इसे इलेक्ट्रॉन कितने हैं दो। हीलियम कुछ भी प्लस माइनस नहीं लग रखा, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन इसके पास में वही है, हाइड्रोजन और उदासीन भी है। हाइड्रोजन हीलियम, हीलियम कितने नंबर पे काउंट कर रहे हैं हम, दो नंबर पे, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं दो। लिथियम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम कितने नंबर पे, तीन नंबर पे, बट यहां पे क्या लग रखा है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव का मतलब है कि इसके पास जितने इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक घटा दीजिए, जितने इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक घटा दीजिए, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बचे दो। इसको देखो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं आपको, लिथियम, लिथियम के पास में तीन प्रोटॉन है और तीन ही इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस है, प्रोटॉन पे प्लस है, प्लस का कितना तीन, माइनस का कितना तीन, न्यूट्रल। बट अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो प्लस का कितना तीन, माइनस का कितना दो, रिजल्ट कितना बचा प्लस, प्लस एक ही तो बचा भाई, पहले तो प्लस का तीन था, प्लस माइनस का भी तीन था, दोनों ने न्यूट्रल कर दिया था एक दूसरे को, बट एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो प्लस का कितना तीन, माइनस के कितने दो, तो रिजल्ट क्या बचा प्लस का एक, इसीलिए यहाँ पे एल आई प्लस लगा हुआ है, मीन्स एक इलेक्ट्रॉन इसने त्याग रखा है। बेरिलियम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, बेरिलियम कितने नंबर पे है, चार नंबर पे, बट ऊपर क्या लग रखा है टू प्लस, मीन्स जितने इलेक्ट्रॉन है उसमें से दो घटा दीजिए, कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं चार, चार में से कितने गए दो, तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं दो, मीन्स यह क्या है एक सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी है, यह क्या है एक सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी है, ठीक बात है। इसी प्रकार से नीचे देख लीजिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितने नंबर पे, सात पे, परमाणु क्रमांक क्या है सात है, उदासीन अवस्था में जितने प्रोटॉन है उतने ही क्या है इलेक्ट्रॉन है, मीन सात ही इलेक्ट्रॉन है, बट क्या ये उदासीन है क्या, नहीं है, आयन है, कितना माइनस लग रखा है तीन, मींस जितने इलेक्ट्रॉन है उसमें तीन जोड़ दीजिए। देखिए सीधा सा याद रखिए, माइनस जितना लगा हुआ हो किसी भी आयन पे, तो जितने इसके परमाणु व्यवस्था में इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उसमें उतने इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए, प्लस का मतलब है आप उतने इलेक्ट्रॉन उसमें से घटा दीजिए, तो सात तो इसके खुद के तीन जोड़ दिए, रिजल्ट कितना आया दस, सात प्लस तीन दस। यहां पे ऑक्सीजन आठ नंबर पे, आठ इलेक्ट्रॉन है, टू माइनस आठ प्लस दो दस। नाइट्रोजन फ्लोरीन नौ नंबर पे है, माइनस कितना लग रखा है एक, नौ प्लस एक दस। नियोन दस पे है, कुछ भी प्लस माइनस नहीं लग रखा, दस का दस। सोडियम ग्यारह पे है, ऊपर प्लस लग रखा है मीन्स एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया,
ग्यारह माइनस एक दस, मैग्नीशियम 12 पे है, ऊपर 2 प्लस है मींस दो इलेक्ट्रॉन त्याग दिए 10। एल्यूमिनियम 13 पे है, ऊपर 3 प्लस लग रखा है मींस तीन इलेक्ट्रॉन त्याग दिए 10। सिलिकॉन 14 पे है, परमाणु क्रमांक 14 है, परमाणु क्रमांक 14 है तो इसलिए इलेक्ट्रॉन भी कितने 14, पर त्याग दिए कितने 4 प्लस। कैसे पता चला त्याग दिया, क्योंकि प्लस लग रखा है। कितने त्याग दिए 4 त्याग दिए, थे कितने 14, त्याग दिए कितने 4, बचे कितने 10। यानी यह श्रेणी 10 इलेक्ट्रॉनों वाली सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी है। तो बेसिक इसी प्रकार से छोटी छोटी इंफॉर्मेशन अपन कलेक्ट करते हुए अपना पूरा मैटर कलेक्ट करने वाले हैं। शर्त यही है, पढ़ते रहिए, रिपीट करते रहिए, मैक्सिमम रिपीट ही आपको अच्छा उत्कृष्ट रिजल्ट देगी। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।